जी गुड मॉर्निंग। चलो जी रिवाइज करते हैं और अगर फील गुड हुआ तो पढ़ेंगे। क्रांति है सलमान। लाए हरोबा इज अ डांस ऑफ विच स्टेट, जिसे पूछा जाए सर वही। ठीक है, डोला इज अ डांस ऑफ विच स्टेट है। गलत हो गया। This chemical disaster is under which ministry? अरे इमोशनल नहीं होना है। कौन सा बोल गया फिर भी? अब बताओ। अब बताओ। Environment. पार्था शार्थी शोम पैनल इज फॉर विच व्हाट? पता नहीं कोई बात। टेल टू पॉइंट्स अबाउट ब्रीथ अबाउट सागर निधि। कॉपीज बंद ही रखो अपनी, वो ज्यादा बेटर है। घर पे नहीं पढ़े एक हफ्ते में, अब क्या पढ़ोगे? विच कमिटी वॉज सेटअप फॉर चेंजिंग द बेस ईयर, द बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल फॉर जीडीपी और फॉर एनी अदर कैलकुलेशन। सुशांत सेम क्वेश्चन। प्रियंका कौन सी कमेटी थी फॉर चेंजिंग ऑफ द बेस? टेल थ्री पॉइंट्स अबाउट आर्टिक फॉक्स। ये पहला पॉइंट ये नहीं कि आर्टिक में पाया जाता है। What is gig economy? Last steps in. And Pravesh Piche, what is aware project? Aware. विवेक सेम क्वेश्चन पीछे सेम क्वेश्चन। व्हाट इज एडीबी स्ट्रेटजी 2030?
ਹਾਂਜੀ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਫੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੋਰ ਅ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੋਰ ਅ ਪਰਸਨ ਟੂ ਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ठीक है Tell three points points about DNA technology bill. DNA regulatory bank board ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਨੀ ਵਟ ਇਜ ਤਾਰਾ ਤਾਰਾ ਬਰੇਲਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਹਾਂ ਸੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇਂਗੇ ਜੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਸਕੀਮ ਸੇਮ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਅਬੇਰਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਸਕੀਮ Two points about the scheme Samruddhi. Samruddhi. Who prepares Global Competitiveness Index? Cornell University, WIPO. Two points about the missile Sagarika. Two points about the missile Trishul. Trishul hai to waisi surface pe ad jayega. Two points about the missile Shaurya. Points about Prakriti program. Vishali, 2 points about Kurinji flower. Neil Kurinji flower. Udhar kaun baitha hai? So in the same question. 2 points about Neil Kurinji flower. इसके बाद आप बता देंगे
हाँ जी, टू पॉइंट्स अबाउट ब्लू कार्बन. ब्लू कार्बन एक पॉइंट और, कहाँ पे होता है टू पॉइंट्स अबाउट कन्याश्री योजना. चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे. नेक्स्ट टाइम जब पढ़ के आओगे आई विल टेक द क्लास. आई एम नॉट टेकिंग द क्लास टुडे एंड दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड आई रियली डू नॉट वॉन्ट इन द क्लास. अगर पढ़ के आ जाओगे मैं क्लास ले जाऊंगा. इफ यू आर थिंकिंग आपका टाइम वेस्ट करवा दिया सर ने, मेरा भी टाइम इक्वली वेस्ट हुआ है. ठीक है, मैं भी उठ के सुबह दूर से चल कर आया हूँ टू टेक द क्लास. उससे लिए पहले क्लास के लिए तैयारी भी करके आता हूँ. ठीक है, लाइक नेक्स्ट अब यहाँ पे बैठ के किसी ने पढ़ना है यू कैन सिट ओवर हियर एंड स्टडी. आई हैव सर्टेनली नो प्रॉब्लम इन इट. क्लास इज फ्री टिल 12:30 बिकॉज इट वॉज योर शेड्यूल दैट वॉज टू बी देयर. लेकिन अगर आपको आता होगा आई विल टेक द क्लास, अगर आपको नहीं आता होगा आई विल नॉट टेक द क्लास. मैं ऐसा ही हूँ. ठीक है, प्रॉब्लम है मेरे में तो है, तो आई कैन नॉट हेल्प इट आउट. ठीक है, कंटिन्यू, जिसको जाना है जा सकते हो. दोज हु वॉन्ट टू सिट एंड स्टडी इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे कैन सिट एंड स्टडी. थैंक यू वेरी मच. ये दिस इज द एटीट्यूड आई विल नॉट टॉलरेट एट ऑल. सीधी सी बात है, अगर मेरे पास प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि सर करंट अफेयर नहीं हो रहा, करंट अफेयर कवर नहीं हो रहा. दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम दैट एवरी वन इज देयर. अरे जितना करवा रहा हूँ उतना तो कर लो. अभी तो हफ्ते में एक क्लास है. जैसे जैनो जोग्राफी वाला हमारा खत्म हो गया, कुछ और 8-9 क्लास में मेल में टू क्लासेज अ वीक. यूथ पढ़िए 3 कर दूंगा. अगर एक नहीं हो रहा तो 2 और 3 तो हो ही नहीं पाएंगे. It would be very comprehensive that I am covering, provided you do it on your part. पढ़ना तो आपको पड़ेगा. I can only say कि यार ये पढ़ लो 4 पॉइंट, ये 10 पॉइंट पढ़ लो. These 10 points are more than sufficient. But you have to read that home. At home. It is up to you only. जैसे अब पढ़ना है, अगले साल पढ़ना है, उसके अगले साल पढ़ना है, जब पर दिल करे. जिस साल यार इस बार तो प्री फोर्ड के हटूंगा मैं. इस बार मेंस निकालूंगा. That will उस साल पढ़ लेना, कोई चक्कर नहीं, हार्डली मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच. चलो स्टार्ट करते हैं आगे. एंड दिस इज द लास्ट क्लास. इसके बाद मैं क्लास नहीं लूंगा. डिस्पाइट द फैक्ट यू कैन कम एंड रिक्वेस्ट मी, आई विल नॉट टेक द क्लास. ठीक है, दिस इज द लास्ट. एक प्रॉब्लम एक ही है कि आप चाह रहे हो कि मैं इसको 2-3 साल में क्लियर करूं, और मैं चाह रहा हूँ एक ही साल में क्लियर करना है. ये प्रॉब्लम है. तो डू नॉट स्टिक टू योर प्लान्स की कोई बात नहीं. अगले साल देख लेंगे. यूपीएससी अगले साल कभी नहीं दिखती. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगले साल भी सेम ही तैयारी होता है. लेवल विल रिमेन द सेम. अगर आपको लगता है कि बहुत वैसे बच्चे भी आते हैं वो कहते हैं कि सर इस साल अटेम्प्ट ड्रॉप कर दो, अगले साल तैयारी कर लूंगा. हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता. नॉट पॉसिबल एट ऑल. समथिंग दैट इज कॉल्ड क्लियर इंस्टिंक्ट. सम पीपल हैव इट एंड सम पीपल दे डू नॉट हैव इट. This is not that thing. It cannot be developed. पर उसके लिए आपको मन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. आपके लिए सब चीज के पास, सब चीज के लिए टाइम है. आई एग्री विद यू. लेकिन दिस एवरी यू आर नॉट हेयर इन दिल्ली फॉर डूइंग ईच एंड एवरी थिंग. यू आर हेयर इन दिल्ली ओनली फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक पर्पज, एंड स्टिक ट्राई टू स्टिक टू दैट थिंग ओनली. एंड दैट इज वॉट विल बी यूजफुल फॉर यू पीपल. विश आपकी है, करना है नहीं करना है. मैनी पीपल दे मे बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक्स वाई जेड. ठीक है, दे वुड बी कमिंग और आईएएस बन के आएंगे. और उसके बाद डेज आर नॉट दैट गुड फॉर ईच एंड एवरीवन. एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ. एंड आई हैव शेयर्ड द स्टोरीज एन नंबर ऑफ टाइम विद एन नंबर ऑफ पीपल. यूपीएससी इज द बेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि इसको छोड़ के कुछ और अच्छा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर यू पीपल, तो आप दिमाग से बात निकाल दो. This is the easiest thing, I can say it, easiest thing is to study. काम क्या है, एक किताब उठा के दूसरी किताब भी तो रखनी है. एक किताब रख दो, दूसरी किताब उठा लो, दूसरी रख लो, तीसरी रख लो. When you move out of this UPSC, you will see कि life is not that easy.
अभी तो माम ने या फॉर एग्जांपल फादर ने पैसे दे दिए ना, पढ़ रहे हो एक्स वाई जेड, दिस इज और तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, पढ़ ही रहे हो. व्हेन यू हैव टू अर्न फॉर योरसेल्फ देन थिंग्स विल नॉट बी द सेम, सर्टनली थिंग्स विल नॉट बी द सेम. अब कहीं से भी किसी रिच क्लास से आ रहे हो, मिडिल क्लास से आ रहे हो, बिलो मिडिल क्लास, जैसे कहां से भी आ रहे हो, आई एम नॉट, दैट इज नॉट माई कंसर्न. Even if you are coming from a rich family, the responsibilities are not that less. अगर आपने अपने काम को भी grow करना है, the responsibilities will be more. अगर कहीं से भी, the responsibilities will always be there. अभी मैं राजेश, राजेश used to live with me, for example, काफी कभी कभी मेरे पास घर पे चला जाता है, office में, साथ वो भी तैयारी कर रहे हैं. He said कि सर, he says to his friends, कि सर जितना सर पढ़ते हैं, उससे हम 30% भी नहीं पढ़ते. राजेश नो, ये मैं रात को जाके 2-2 बजे तक पढ़ता हूँ टू प्रिपेयर फॉर द क्लास, और उसके बाद आई कैन वेरी इजली से कि यार मेरे को कोई मार्क करके दे दो, 10-15 हज़ार रुपये में लड़का मिल जाएगा कोई ना कोई, यार मेरे को मार्क करके दे दो भाई, मैं आके पढ़ा दूंगा, फिर फर्क क्या रह गया. इट इज़ वेरी इजी. और मेरा क्या, आधे घंटे में उसको जो पढ़ा दिया देख के बोलना है मैंने क्या करना है, दैट विल बी वेरी सिंपल. लेकिन दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू पीपल. वो अपनी मर्जी से मार्क करेगा जो उसका खुद कभी प्री नहीं हुआ, वो मार्क करके दूसरे को क्या सजेस्ट करेगा कि क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको ही पता है 100-100 रुपए में, 200-200 रुपए में पीपल दे चेक द पेपर, देन डू एक्स वाई जेड थिंग्स, प्रिपेयर द नोट्स, कंटेंट डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट, वो डेवलप, पता नहीं क्या क्या चल रहा है मार्केट में. ऐसी कौन सी डेवलपमेंट होगी जो फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, नहीं, इफ फैकल्टी हैज टू डिपेंड अपॉन समवन. ऐसा टीचर ही क्या जो बच्चों से पढ़वा ले, मेरा कंटेंट बना के दे दो यार मैं पढ़ा दूंगा, और बच्चा अगर इतना कैपेबल ही हो जाए तो आईएएस ना निकल जाए पहली बार में. इट इज, इट हैज टू बी. और ये आपको अभी बात नहीं समझ आ रही, व्हेन यू विल बी देयर इन यूपीएससी फॉर 2-3-4 इयर्स, तो आपको पता लगता है मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी. एस इट्स नॉट कि कहीं से पेपर चेक करवा लिए 200-200 रुपए में. आपको ही पता 200-200 रुपए में पेपर चेक होते हैं. अगर नहीं विश्वास है तो चले जाओ यहाँ पे, नाम भी 4-5 बता दूंगा मैं, दिल पे यू 200 रुपीज फॉर अ पेपर. और वही लोग आपकी टेस्ट सीरीज जो 15-15, 25-25 हज़ार के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, वही लोग होते हैं जो आपके पेपर चेक कर रहे होते हैं, इन खुद कुछ नहीं आ रहा होता. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट गिव मी अ कॉल इन द ऑफिस नंबर कि हम आपका कंटेंट डेवलपमेंट का काम करना चाह रहे हैं, या हम फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर चेकिंग करने का काम कर रहे हैं. आई नेवर से यस टू अ पर्सन, चाहे बोले कि मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैं कभी हाँ नहीं करूंगा, मैं खुद ही करूंगा मैं जो करता हूँ. जिसको खुद नहीं हो रहा, हाउ कैन ही और शी गाइड यू पीपल, हो ही नहीं सकता. सो इट इज़ बेटर कि एग्जाम निकालो, थिंग्स आर कंपेरेटिवली सिंपलर फॉर यू पीपल. मार्केट में चले जाओ, इतना बड़ा बड़ा मोटा मटीरियल है, रियलिटी में है. हमने भी सिनॉप्सिस निकाला इतना मोटा, तो वो भी है एनसीईआरटी का, लेकिन वो इसका 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 सिनॉप्सिस है ना, एनसीईआरटी इससे ज़्यादा है. अप्रॉक्सीमेटली गिनती करने लग जाए तो 42 एनसीईआरटीज बनती हैं, जो लिस्ट आपको पहले ही दिन मिल जाती है चुंगी नाकों से. 42 एनसीईआरटी यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, डायस तक, ऊपर तक हो जाएगा अगर उसको सिर्फ रखोगे. और फिर उसके बाद ओल्ड एंड न्यू का पंगा शुरू हो जाता है, कौन सी ओल्ड है, कौन सी न्यू है, क्या पढ़ना उसमें से, क्या नहीं पढ़ना. अब उसमें से आपको इतना मिल रहा है, यूर कंपेरेटिव लेटर सिंपल प्लेस. अब पढ़ना तो आप पढ़ने ही आए हो ना, किसने बोला कुछ और काम करने आए हो, और काम कर लो. और अगर आईएएस बन के करोगे तो और भी अच्छा है. सर Try to be within the limitations of the things which you are here. Life is there to enjoy. और हाँ, एक बात मैं पक्का पहले भी कहता हूँ क्लास में, आपसे ज़्यादा पढ़ता हूँ, आपसे ज़्यादा enjoy भी करता हूँ, दोनों चीज़ है. आप दिल्ली में ही आप ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ और 4-4 बार नहीं गया हूँ, ठीक है. और ऐसी रेयरली कोई मूवी होती है मैं छोड़ता हूँ, और आपकी तरह वो लैपटॉप ही नहीं देखता. Then also I have time. उसके बाद मेरे अपने limitations है, family है, ठीक है. जब मेरे को पंजाब जाना पड़ता है, despite the fact I take out time, I do it. मेरी responsibility है. I have to be there in the class. जो मेरा time है उसके आ जाता हूँ, ठीक है. And I have to be there. अब उसके, this is not your problem. मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, नहीं पहुँचा. That is not your, that is my problem. I have to do it. मेरे को जाना पड़ता है. बट ऐसा नहीं कि इसके लिए मैं अपने को इन द आई एम देयर इन द क्लास तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड में कमी आ रही है, नहीं. चाहे मैं 6 घंटे सो के आ रहा हूँ, चाहे 10 घंटे सो के आ रहा हूँ, चाहे 4 घंटे, दैट इज नॉट योर कंसर्न एट ऑल. फॉर यू इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर वॉट इज द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू पीपल. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि जितना पढ़ा दिया है उतना कर लो. ज़्यादा मोह माया में फंसोगे तो फंसे ही रह जाओगे. हम बहुत लोग देखते हैं यहाँ पे, अब से तैयारी करने लगा हूँ और अब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. आई हैव सीन एन नंबर ऑफ पीपल
लोगों को ये नहीं पता लगता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, एन नंबर ऑफ मटेरियल्स आर अवेलेबल। अब मंथली मैगजीन खरीदने लग जाओ, इतना तो मंथली मिल जाएंगे, इससे ज्यादा ही मिलेंगे। और आपको एक मंथ पिछले महीने जो पिछली क्लास में है, डेढ़ महीने का करंट अफेयर करवाया है, पता किसी को? एनीवन? डेढ़ महीने का करंट पौने दो घंटे में खत्म करवा दिया, तीन मैगजीन्स उठाए थे, तीन महीने पौने दो घंटे में खत्म। और आपको आपको नहीं पता, इट्स माय आई हूं नो। और 10 क्लास, जैसी 10 क्लास हो जाएंगी, ठीक है, काफी हद तक आपका जो मार्केट में अवेलेबल है एवरीथिंग वुड बी कवर्ड विद। पढ़ना तो आपको ही है ना, और उसके बाद जाके देख लेना। आज अगस्त का करवा रहा हूँ, मेजोरिटी आज हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा अगस्त का करंट अफेयर खत्म। सितंबर और एक और डेढ़ महीने का लास्ट क्लास में करवा दिया, लेकिन इतनी सिंपलिसिटी से हो रहा है, आपको लगता है यार अभी कुछ नहीं हुआ, अभी पढ़ा है। दैट इज नॉट द थिंग, थिंग्स आर कंपैरेटिवली सिंपलर। जो 50 पेज में से पढ़ने वाली 40 20 30 लाइंस होती हैं, मैं वही करवाता हूँ। अगर पूरे का पूरा पढ़ना है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको यही नहीं पता लगता है कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट, और उसी में प्रॉब्लम में रह जाते हो। इंपॉर्टेंट है जो आपको लिख, हाँ उसके बाद कुछ भी पढ़ लो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रोकूंगा नहीं, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट हैव दैट बेसिक नॉलेज। एक बात पक्का, उतना पढ़ के चले जाओ प्री नहीं रुकेगा, आपको सब कुछ आ रहा होगा, यू वुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। एक पॉइंट नहीं आ रहा बाई चांस, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि सब कुछ हर कोई करवा सकता है, कैन एग्री विद दैट, सब कुछ नहीं करवा सकते, लेकिन इतना जरूर करवा दूंगा कि आपको आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन में से नहीं आया तो ऑप्शन में से निकल जाएगा आंसर, ऑप्शन में भी तो निकालना आना चाहिए ना आंसर। जरूरी नहीं कि हर बार आपको क्वेश्चन ही आता हो, एक स्टेट, कभी कभी ऐसा होता है एक स्टेटमेंट नहीं आने से पूरे का पूरा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कभी कभी उल्टा भी तो होता है, एक ही स्टेटमेंट आने से पूरा आंसर भी तो आ सकता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी 100% देयर इन द पेपर व्हेन यू आर डूइंग इट। वो तभी होगा जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। इफ कॉन्फिडेंस है आपके पास तो आप पेपर निकल जाएगा, नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं। और कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही चीज से आता, दैट इज रिविजन, बिना रिविजन के कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऐसे चलो जी स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज द लास्ट क्लास, इसके बाद अगर प्रॉब्लम रही आप लोगों में, आई विल नॉट टेक द क्लास, दिस इज फॉर श्योर। और जो भी मेरे को देना है मैं हैंड आउट्स पकड़ा दूंगा, और वो तो फिर 4-5 महीने के एक ही क्लास में हो जाएंगे। थैंक यू, चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल सोलर पार्क, क्या ये ग्लोबल सोलर पार्क आइडिया? अब एवरीवन मस्ट हैव हर्ड, प्रवीण दूसरा पेन दे दिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस सुना हुआ है, इसका काम क्या है? करेंगे क्या ये? ये बेसिकली प्रमोट करती है कि वो सोलर एनर्जी को अपने ग्रिड सिस्टम में ऐड करें। ठीक है, वेरी गुड। नाउ यू नीड टू हैव, एवरी कंट्री डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड फाइनेंसेस एंड द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, ये तो पक्का है। फॉर एग्जाम्पल द कंट्रीज विच आर लाइंग विद इन द ट्रॉपिक्स, 121 कंट्री जो विद इन द ट्रॉपिक्स है, द फोकस इज टू डेवलप सोलर पावर इन दोज कंट्रीज, but every country do not have the required technology and they do not have the required finances, therefore we need a special purpose vehicle. ab ye to pata kya hota hai everyone, kisi ko problem hai to bolo, theek hai, special purpose vehicle kya hota hai? ek par kisi bhi ek purpose ke liye ek vehicle bana diya jayega, ek organization type bana di jayegi, taki usme se jo bhi aapko paisa chahiye that would be funded and financed with that purpose. उसके टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ओवरकम करने की, और जैसी वो पर्पस पूरा हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा, फाइंड अप हो जाएगा। उसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल हैज टू बी क्रिएटेड, इसके लिए टू फुलफिल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू प्रोवाइड सोलर एनर्जी सो दैट टू दीज ग्रुप ऑफ कंट्रीज की वहां पर यह टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट कर सकते हैं। Therefore, these group of countries are approaching to various international institutions. को प्रमोट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एशिया इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसके लिए? सो दैट अ स्पेशल व्हीकल, स्पेशल पर्पज व्हीकल कैन बी क्रिएटेड, so that the funds could be given to those countries, financial help could be given to those countries where this has to be developed.
और पैसा कितना चाहिए? 150 मिलियन। कोई प्रॉब्लम? एक पार्क है, एक पार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस पूरे ग्रुप ऑफ कंट्रीज को। ISA इज गोइंग टू EIAB और वेरियस अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की बात हो रही है। किसके लिए? ग्लोबल सोलर पार्क बनाने के लिए। उसके में पैसा होगा 150 मिलियन होगा, तो आप यूज करो। लिखो जी, IS इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज प्लानिंग टू अप्रोच, इज प्लानिंग टू अप्रोच वेरियस मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, इज प्लानिंग टू अप्रोच वेरियस मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स लाइक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ब्रैकेट AIIB ब्रैकेट क्लोज टू क्रिएट अ स्पेशल पर्पस व्हीकल टू फाइनेंस various solar projects, various solar projects, first point. Second point, the special purpose vehicle will aim at financing $150 billion, will aim at financing $150 billion, and therefore it would become a world solar bank, and therefore it will become a world solar bank. Koi problem? Second, defense company. What it is? One by one. सबको मौका। ठीक है, very good. The DAC has to approve for any higher amount of procurement in defense project. ठीक है, fine. Basically, the problem was there that corruption charges were being put on various defense acquisitions that were being done. कि आपने ज़्यादा amount का ले लिया, आपने X, Y, Z, ये technology नहीं ली, वो ली. To overcome the problem or the charges of corruption, and so that not only proper quality but proper pricing can be there, the government in 2001 set up a defense acquisition council. ये council responsibility लेगा कि required technology है, हमारी requirement fulfill हो रही है कि नहीं हो रही है. कोई problem इसमें? Now, when we have to procure or when we have to buy something from abroad, there has to be certain criteria ki indigenous content usme kitna hona chahiye. Koi problem? Jaise for example hum keh rahe hain ki various big stores should be opened, to unko kya bolte hain ki thoda bahut requirement ki cheezein, jaise sabzi ho gayi, kuch aur ho gaya, hamare local vendor se le lo, so that unko bhi thoda employment mil jayegi and their standard would also be rising. The same is the case in defense acquisition council also. Ki problem? When and therefore for this ki aapko kitna hona chahiye, how should be the indigenous, what should be the indigenous content has to be there, and for that indigenously designed and IDDM the category that is by Indian IDDM indigenously designed, developed and manufactured. This is a criteria which is there. Now ab kitna indigenous content hai? Agar design, if the design is indigenous, then the content should be 40%. Indian hai to indigenous content hona chahiye aapka. Koi problem? If the design is from outside, the indigenous content has to be 60%. Koi problem? Likho ji.
डिफेंस एक्रेडिटेशन काउंसिल, पहले ये लिखेंगे फिर सेकंड. In 2001, the government decided to set up a defense acquisition council to ensure expeditious or earlier procurement of the approved requirements of the armed forces first point. Second point, it is responsible to give, DAC is responsible to give the policy guidelines for acquisition and based upon long-term procurement plans. Long-term procurement plans. Next point. It clears all acquisition bracket both imported bracket में लिखो both imported and indigenously produced or produced under a foreign license. मतलब जो तो हम खुद करेंगे या foreign license से. Next point. Recently, a new category of procurement, that is by Indian IDDM, indigenously designed, developed and manufactured category has been introduced. Indigenously designed, developed and manufactured category has been introduced. Full stop. Under this category, indigenously designed equipment will have 40% indigenous content and equipment not necessarily designed in-house will need to have 60% of indigenous content. 60 जो यहां पे इंडिजिनस नहीं है उनको 60% इंडिजिनस कंटेंट चाहिए. रिपीट करना है कहां पे? इक्विपमेंट्स नॉट नेसेसरली डिजाइंड इन हाउस शुड हैव 60% ऑफ इंडिजिनस कंटेंट. नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर.
लिख लो, लिखना तो हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। अल्टापुरा जॉइंट टॉर्टोइज हो गया था कि नहीं? It is a tortoise that is basically found in Seychelles, and it is the largest species of tortoise that is found in the world, and also the world's longest living animal, and has a life of approximately 255 years. And recently, it has been a pair has been gifted by Seychelles to India. Likho ji. It is one of the largest species of tortoise on the planet. Found in Seychelles. Seychelles. Second point. It is also one of the world's longest living animal. With a life of up to 255 years. Next point. Currently, it has a status of vulnerable. IUCN ka status vulnerable hai iska. Next point. Recently, a pair has been gifted by Seychelles to India. A pair of tortoises have been gifted by Seychelles to India. Next. Swajal scheme. क्या हो गया स्वा मतलब अपने आप जल कम्युनिटी ओन ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम कोई प्रॉब्लम सही इट इज अ प्रोग्राम दैट हैज बीन स्टार्टेड इन 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम उनमें प्रोग्राम किया है ताकि अप टू प्रोवाइड देम फैसिलिटीज ऑफ द वाटर बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज द कम्युनिटी हु विल टेक केयर ऑफ दिस द रेशियो वुड बी 90:10 90% of the cost would be borne by the government and the remaining 10% would be by the community. 90% government karega, 10% community karegi, and taking care of this project will be the responsibility of the local villages. Dekho ji. Haan sir, haan bilkul. Kyunki aspirational districts program centers nahi decide kare. The government has recently launched a Swajal scheme, Swajal, S-W-A-J-A-L scheme, in 115 aspirational districts of the country. Next point. Swajal is a community-owned drinking water program. Community owned drinking water program for sustained water supply. Next point. Under the scheme 90% of the project cost 90% of the project cost will be taken care by the government. And the remaining 10% would be contributed by the society or community.
Next point. The management of the project will be taken care by local villagers. Next point. The fund would be provided under the National Rural Drinking Water Program Budget. Rural Drinking Water Program Budget. Bracket में कर लो NRDWP. National Rural Drinking Water Project. Next point. NRDWP is a centrally sponsored scheme started in 2009 with 50-50 fund sharing between center and state. With 50-50 fund sharing between center and state, with the aim to ensure sustained water availability और वाटर स्टेट सब्जेक्ट है सेंटर या कंटेंट लिस्ट में देखो जी स्टेट सब्जेक्ट है कंटेंट नहीं है वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड रूरल वाटर सप्लाई हैज बीन इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन And it may be given to panchayats by the state. Panchayats by the state. वो 11वें शेड्यूल में डाल के आप दे सकते हो ना. Next. अल्मा टेलीस्कोप क्या है? हाँ टगामा में क्या होगा आगे इट बेसिकली अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे लार्ज मिलीमीटर MILLI It is basically a telescope that has been put in Atacama कहाँ पे है? चलो चिली में ठीक है desert वहाँ पे. Chile has three different types of climate. Anyone? कौन कौन सा मेडिटेरेनियन और डेजर्ट टाइप है डेजर्ट टाइप कहाँ पे है ऊपर सेंटर में और साउथ में सेंटर में मेडिटेरेनियन साउथ में सेंटर में हाँ जी ये क्वेश्चन है बड़े सिंपल सी हैं सीधे सीधे हैं कुछ फिर क्लास में हो चुका ना ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आना चाहिए ठीक है मैं बता सकता हूँ ये इसके साथ इंटरलिंक करके याद रख सकते हो लेकिन याद रखना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर इट बेसिकली अ टेलीस्कोप विच विल सर्च
about the origin of the universe, origin of this cosmic origin, how did it take place, and different 66 high precision antennas have been put forward so that they can understand the cosmic rays ki kaise ye origin sab kuch hua. And it is a joint effort of various, for example, European Space Observatory ho gaya, US walon ka ho gaya, Taiwan, Canada, Korea and other Republic of Chile, all of them, they are in combination of this with a basic aim in search of the cosmic origin ki sab kuch shuruaat kaise hui. Likho ji. Atacama large millimeter submillimeter array. It is an international partnership of European Space Observatory, ESO. First. Second, US National Science Foundation, US United States National Science Foundation. Third, National Institute of Natural Science, NINS, National Institute of Natural Science of Japan, along with Canada, Taiwan, Korea, and Chile. Korea, Taiwan, Canada, next point. It is the largest astronomical project in existence. composed of 66 high precision antennas. 66 high precision, precision antennas, located at 5,000 meter altitude in northern Chile. Next point, it will help in the search of our cosmic origin. Next. Helium 3. India, ISRO is planning ki jaise Chandrayaan 2 hai, that will be going to kahan pe jayega? चांद पे जाएगा और कहां पे जाएगा? सबका चांद अलग अलग होता है, लेकिन ये रियल वाले चांद पे जाएगा, ठीक है? इट विल बी गोइंग एंड फ्रॉम देयर दे वुड बी गेटिंग दिस हीलियम 3 एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स फॉर फुलफिलिंग द ग्लोबल हीलियम 3 दैट इज देयर इन द मून कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स फॉर फुलफिलिंग द ग्लोबल एनर्जी डिमांड फॉर द नेक्स्ट 300 टू 500 इयर्स. कैसे लेके आएंगे? जैसे जाएंगे वैसे ले आएंगे, ठीक है? अगर ऊपर जा सकते हैं तो ऊपर से ला तो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेन सम रोबोट्स एंड अदर थिंग दे आर बींग सेंट ऑन लैंड, वेन दे लैंड, तो वहां पे उनका प्रिसीजन भी तो करते हैं. व्हाट आर द रॉक्स दैट आर देयर, तो वहां से कुछ उठा के भी ले आएंगे, मिट्टी तो लेके आते हैं कुछ. So it would be used, Helium 3, Chandrayaan 2 ka project, wahan pe jayenge, Helium 3 leke aayenge, that would be used as a waste-free nuclear energy so that the energy demand of the world can be fulfilled. Likho ji. ISRO's Chandrayaan 2 will be looking for the deposits of Helium 3 on its moon mission. Next point, it is an isotope of helium
which is abundant on moon. And could meet the global energy demand for next 300 to 500 years. Pinaka to ho gaya tha na. Kya ye? रॉकेट लॉन्च बिना काले को जेक पर इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ सेकंड पॉइंट इट कैन फायर 12 रॉकेट्स एंड थर्ड Target area is 4 square kilometer. Next point. इसी का Mark 2 It's a second variant of Pinaka Mark 2. Second variant of Pinaka and will have a range of 75 kilometers. सेकेंड ये पिनाका का सेकेंड वर्जन है 75 किलोमीटर नेक्स्ट धनुष अरे 75 किलोमीटर जाएगा हाँ जी बोलो चार चार था बढ़ा के 75 का धनुष क्या ये एक तो हीरो है साउथ इंडिया में और दूसरा हाँ इट इज बेसिकली आर्टिलरी गन दैट इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ स्वीडिश बफर गन लिखो जी आर्टिलरी गन सेकंड पॉइंट अपग्रेडेड वर्जन ऑफ स्वीडिश बफर गन्स डेवलप्ड बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बोफर जिसमें ये फंसा हुआ है राजीव गांधी नेक्स्ट ऑर्डिनेंस ओ आर डी एन ए एन सी फैक्ट्री बोर्ड ओ एफ बी नेक्स्ट कैटरीन एक्सपेरिमेंट क्या ये न्यूट्रिनोस के लिए थी वेरी गुड बेसिकली एक्सपेरिमेंट दैट विल कलेक्ट डाटा सो दैट द मास ऑफ द वर्ल्ड्स यूनिवर्स लाइटेस्ट पार्टिकल न्यूट्रिनोस कैन बी नोन न्यूट्रिनोस एट वेरियस पॉइंट ऑफ अ टाइम आर ऑल्सो रेफर टू एज द गोस्ट पार्टिकल्स वाई बिकॉज दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट लिखो जी टू डिटरमिन द मास of the universe lightest particle that is neutrinos universe lightest particle that is neutrinos second point they are sometimes called ghost particles because they are difficult to detect ghost particles because they are difficult to detect next परिवर्तन स्कीम परिवर्तन स्कीम जी क्या है ये इट इज बेसिकली अ स्कीम और अ प्लान दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन
so that the revitalization of the power of the stressed power sector can be done. Usko revitalize kiya jaye, and it plans to implement the scheme in combination with the Power Finance Corporation and with other lenders who would be lending amount of money to power sector so that it can be revitalized. Parivartan scheme. Likho ji. It is a plan by Rural Electrification Corporation (REC) to revitalize, planned by REC to revitalize the stressed power sector assets. Stressed power sector assets in joint venture with Power Finance Corporation (PFC) and other lenders. Finance Corporation (PFC). Next. FAME scheme ho gaya tha. Next. Faster adoption and manufacturing of electric hybrid vehicles. Ho gaya tha ab to? Hai? Nahi hua, chalo koi baat. It is basically a plan that has been prepared by the Ministry of Heavy Industries. So that the various incentives would be given so that different the vehicles of different segment, it is basically to move towards the electric vehicles and the hybrid vehicles. Uske liye Ministry of Heavy Industries ne project banaya hai, FAME. So that incentives could be given, two-wheelers ho jayega, three-wheelers ho jayega, for example, other vehicles, commercial buses can be there, and other automobiles can be there, and the faster adoption of those should be adopted by the people. Uske liye project hai, family ko. Safed wali bus bhaag rahi hai. Ye nahi mere ko pata, bus ka likho. मेरे को बस का नहीं पता भाई. ठीक है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रैकेट हाइब्रिड ब्रैकेट क्लोज व्हीकल्स इन इंडिया. फर्स्ट पॉइंट ब्रैकेट क्लोज व्हीकल्स इन इंडिया. First one. The second one, it is a scheme under National Electric Mobility Mission Plan. National Electric Mobility Mission Plan, which aims to provide 6 to 7 million. 6 to 7 million hybrid and electric vehicle by 2020. Next point, FAME. It is launched by Ministry of Heavy Industries. FAME is launched by Ministry of Heavy Industries. Next point, it aim at incentivizing all vehicle segments, including two-wheelers, three-wheeler auto, four-wheeler vehicles, and light commercial vehicles and buses. Light commercial vehicles and buses. Next point. The scheme covers hybrid and electric technologies like strong hybrid, plug-in hybrid,
and battery electric vehicle. Electric vehicles. Next, urban cooperative banks. These cooperative bank लिखना नहीं है सुनो. These cooperative banks are regulated by RBI on the one hand and by the respective state government. Recently, the RBI has taken a decision to convert urban cooperative banks into small finance bank, with the aim to bring these urban cooperative banks into the mainstream banking activities. And when they are being converted into urban, from urban cooperative and small finance bank, it would be under only one regulation, that is RBI, and ye state government ki regulation se bahar aa jayenge. Agar RBI ki regulation ke under aa jayenge, there are always various guidelines which are being kept by RBI. For example, minimum equity capital. Capital will be 40%. Then minimum paid up capital would be 100 crore that would be required. Capital adequacy ratio would be 15% and other things. But there, the initial phase mein when urban cooperative banks or small finance bank ko liye aap convert karte ho, jo koi bhi bank hai small finance, one thing is clear, there would be certain guidelines and regulations. It cannot function, like, for example, totally as a normal bank, kuch to limitations mein kaam karega. So therefore, they would be in a position only to take small deposits and disburse loans, firstly. Secondly, for example, they will also be in a position to distribute mutual funds, insurance projects and other things, and they can lend 75% of their total adjusted net bank credit to the priority sector. But on the other hand, they cannot lend to big corporates. Agar aur branches bhi kholni hai, it would be with the prior permission of the RBI that would be done. Aur aapko 5 saal ke baad hi khol sakte ho, usse pehle nahi khol sakte ho. So the step is in a good way, that proper RBI guidelines, sahi guidelines ke andar aa jayenge. Urban cooperative banks has to be converted into a small finance bank, so that priority sector lending ja kuch aur bhi target section ko hum acche tarike se deal kar sakte hain. And the bank can also be strengthened when RBI clear directions are being given. Likho ji. To bring urban cooperative banks into the mainstream banking activities, comma, recently RBI has decided to allow the urban cooperative banks, UCBs, to be converted into small finance banks. Second point. Currently, urban cooperative banks are regulated by both. They are regulated by both the RBI and the respective state government. Next point. By turning into small finance bank, they will be regulated only by the RBI.
Next point. They need to follow the following guidelines. They need to follow the following guidelines. First, minimum paid up capital. First, minimum paid up capital would be 100 crore. Second, capital adequacy ratio CAR should be 15:15. Ratio should be 15% of the risk weighted assets, and year one should be 7.5%. Next point, the foreign shareholding has been capped at 74% of the paid capital, Next point, 74. Next point, foreign portfolio investors, FPIs, cannot hold more than 24%. Promoter must contribute. Minimum 40% of equity capital, and it should be brought down to 30%. In 10 years. Next point, priority sector lending requirement of 75%. Of the total adjusted net bank credit. Next point, 50% of the loans must be up to 25 lakh, Jitna bhi doge 50%, jo total mein se 25 lakh tak ki limit ka hona chahiye. 50% of the loan must be up to rupees 25 lakhs. Next point. Kitne 3 point ho gaye the upar? Chautha point likho main. The small finance bank SFC will undertake basic banking activities like acceptance of deposits, comma, lending to unserved and underserved sections, including small business units, comma, small and marginal farmers, comma, micro and small industries and unorganized sector entities.
next point. They can also distribute. They can also distribute mutual funds comma insurance product and other simple third party financial products and other simple third party financial products. Next point. They cannot lend to big corporates and groups. Big lend to big corporates and groups. Next. It cannot set up subsidiaries to undertake. It cannot set up subsidiaries to undertake non-banking financial services activities. It cannot set up subsidiaries to undertake non-banking financial services activities. Next point. It also cannot be a business correspondent of any bank. Also cannot be a business correspondent of any bank. ये तो पता है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट क्या होता है. बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट फॉर एग्जांपल इट एक रिटेल एजेंट की तरह होता है. देखो बैंक ब्रांच कैन नॉट बी ओपनड अप एट एवरी स्मॉल विलेज. तो कुछ लोगों को जो फॉर एग्जांपल रिटायर्ड हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब से या किसी रिटायर्ड टीचर्स या रिटायर्ड एक्स वाई जेड ऑफिसर या एनी अदर वॉलंटियर जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाए. दे वुड बी गोइंग टू डिफरेंट एरियाज एंड दे वुड बी प्रोवाइडिंग जैसे एक चलती फिरती बैंक की तरह होगा कि थोड़ा पता जो काम करने के लिए पैसे लेने हैं या देने हैं उसका काम करते हैं बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट करता है और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को 1-2% ऑफ अमाउंट ही आप उनको उनका परसेंटेज उनको मिल जाता है जितना काम लिखना तो नहीं है कि लिखवाऊं. अरे किसी को लिखना क्या होता है तो हाथ बता दो. चलो ठीक है भाई नेक्स्ट. रिसेंट इप्सा समिट कहां हुई थी. इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका. इप्सा समिट इन साउथ अफ्रीका. सार्क डेवलपमेंट फंड तो हो गया था. Yeah, anyone? Basically, it is a fund that would be used for developing entrepreneurship in different SAARC countries, and they would be funding 80 entities annually. कि अलग-अलग देशों में SAARC countries में जितनी कितने member state है SAARC के? Eight member state are there. Total 80 entities would be chosen up. और उनके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है फॉर एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है एंड दोज प्रोग्राम विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी उन प्रोग्राम को फंड करने के लिए बनाया गया SAARC डेवलपमेंट फंड. लिखो जी. इट इज टू फंड to fund the a social enterprise development program nahi kya likha hai social isse upar just to fund a social enterprise nahi nahi cross kar do it is to fund 80 entities 80 to fund 80 entities across 8 member states
ब्रैकेट में कर लो एनुअली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड बिल्डिंग सोशल एंटरप्राइज with a mix of grants and concessional returnable capital. Concessional returnable capital. Next point. The funds would be provided by SARC fund under Social Enterprise Development Program, SEDP. Enterprise Development Program. Next, Maitri Irrigation Project. किसके लिए? It is basically a financial aid that would be given to Nepal for the development of irrigation facilities so that a shallow tube wells when well irrigation system can be developed in Nepal aur wahan pe irrigation ko hum boost kar sakte hain. Likho ji. Under it, India will provide a financial aid. India will provide a financial aid of about 10 crores to Nepal to boost agricultural productivity by the construction of Shallow tube wells irrigation system. जब एक्सरसाइज करवाए थे कॉर्पस हो गया था क्या हो गया क्या ये नेक्स्ट नेशनल डाटा सेंटर बेसिकली एज मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग अकस्टम टू हैविंग द वेरियस सर्विसेज ऑनलाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट तो देयरफॉर इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि एक मेंटेन किया जाए कि डाटा मेंटेन किया जाए एक सेंटर मेंटेन किया जाए कहाँ कहाँ पे लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड ऑफ द पब्लिक एंड देयरफॉर टू प्रोवाइड फॉर अ वर्चुअल सर्वर देयर आर डिफरेंट वर्चुअल सर्वर दैट आर बीइंग सेट अप फोर वर ऑलरेडी देयर इन भुवनेश्वर दिल्ली हैदराबाद एंड पूना एंड रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन टू सेट अप अ न्यू वर्चुअल सेंटर विच विल बी प्रोवाइडिंग अ होस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू 5 lakh यूजर्स एंड दैट सर्वर वुड बी सेट अप इन भोपाल लिखो जी There are 4 national data centers, NDCs, in the country at first Bhubaneswar, Delhi, Hyderabad, and Pune. Next one. Recently, the government has taken a decision to set up a new data center in Bhopal.
with a capacity to host 5 lakh virtual servers. Host of virtual servers. Capacity 5 lakh. Next, reunite. It is basically a mobile app that has been launched by Indian Railways to help track those missing children or abandoned children that can be there. The photos can be regularly uploaded ki ye bachcha yahan pe gum ho gaya ya yahan pe mila xyz. And this app has been developed by Bachpan Bachao Andolan. Kiska ye? Kila Satrati and Kapge Mini jo bhi hai. Likho ji. It is a mobile application launched by Indian Railways. To help track and trace the missing and the abandoned children in India. Second point, it has been developed by Bachpan Bachao Andolan and Capgemini, Capgemini. Next, public credit registry. Public credit registry. क्या ये हाँ तो पीपल दे हैव टेकन अप वेरियस लोन्स और कभी कभी फ्रॉड हो जाते हैं एक बैंक से लिया है उसके बाद वहां पे फ्रॉड किया फिर दूसरी बैंक के साथ चला गया तीसरी बैंक देयरफॉर इट इज अ रजिस्ट्री दैट वुड बी द गवर्नमेंट इज द आरबीआई इज aiming to develop in a phased manner so that a proper knowledge can be there in a single point ki kaun banda kitna loan liya ja raha, so that defaulters should not be there. The decision to set up a public credit registry has been set up on the recommendation of a task force that was set up under Y.M. Deosthale. RBI has appointed a task force under Y.M. Deosthale, Deosthale, which recommended for setting up of a public credit registry, the setting up of a public credit registry in a phased manner to provide a single point and real-time source for financial liabilities of a person or entity. Financial liabilities of a person or entity. Next, Surya Shakti Kisan Yojana Scheme. It
It is basically a scheme that has been started by the government of Gujarat, in which the farmers of Gujarat would be encouraged to generate electricity. The surplus electricity would be sold by them. It is basically the center and the state that would be sharing the joint cost. 60% center plus state. The farmer, they would be sharing a cost of 5%, and the remaining would be treated as a loan that would be given. The loan would be given at a rate of 4.5%, 4 to 4.5%. Then there the government will also enter into a power purchase agreement of 25 years with the farmers. कि वहाँ पे उनको एट अ रिक्वायर्ड प्राइस पे आपकी बिजली जो प्रोड्यूस करोगे हम खरीदेंगे. लिखो जी. टू प्रमोट सोलर एनर्जी बाय एनकरेजिंग द फार्मर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी and sell their surplus to power distribution companies. The government of Gujarat has launched this scheme. Next one. The center and the state government, the center and the state government will jointly share 60%, 60, will jointly share 60% of the cost for installing a solar generating unit, for installing a solar generating unit full stop. The contribution of the farmer would be 5% of the cost. The contribution of the farmer would be 5% of the cost. Full stop. The remaining 35%, the remaining 35% would be given in the form of loan, would be given in the form of loan by the state government at a rate of 4 to 4.5%, at a rate of 4 to 4.5%. Next, the government will also have a 25-year power purchase agreement with farmers. 25-year power purchase agreement with the farmers. आयुष्मान भारत हो गया था, है ना? Next is Vandan Vikas Kendra. हो गया? हो गया. हो गया ना भाई. अच्छी बात है, हो गया तो. क्या ये? है क्या? किसके लिए है? ट्राइबल पीपल. ठीक है. डेल्टा रैंकिंग. हुआ कि नहीं हुआ? ये तो हो गया. मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं हुआ तो बता दो, मैं डिक्टेट करवा दूंगा. हुआ कि नहीं हुआ? लिख लो जी, कोई बात नहीं. आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम.
It is basically a scheme that has been started by the government to provide health protection to approximately 10 crore poor families. 10 crore poor families ko health protection dene ki baat kari ja rahi hai. And they would be provided a protection of up to rupees 5 lakh per year per family. 5 saal tak, sorry, 5 lakh rupay tak ka diya jayega. 10 crore families ko cover karna hai. And a no cap on the family size has been kept. और ऐसा नहीं बताया जाएगा कि आपको इतने बच्चे हो रहे इतने बुजुर्ग cover कर no cap has been there. And the overall target is to cover 10 crore families. Second important point is there are certain criteria. Who would be chosen? Those people who are eligible under the social economic caste census. And then the person जिसके कोई एक मेल हेड नहीं है फैमिली का या फॉर एग्जाम्पल जब विमेन हेड कर रही है या कच्चा हाउस है या नो अर्निंग मेंबर इज देयर दोज आर द सर्टन पीपल हु वुड बी चूजन टू गेट द बेनिफिट एंड दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ द 10 करोड़ फैमिली हाउस होल्ड से जितना होगा उनको 5 लाख रुपए तक का आप हेल्थ कवरेज देना है लिखो जो द स्कीम इज टू प्रोवाइड हेल्थ प्रोटेक्शन मिल गया चलो बीजू वाला था अच्छा वो दूसरा है टू प्रोवाइड हेल्थ प्रोटेक्शन टू अराउंड 10 करोड़ पुअर फैमिलीज फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट अब अ कवर ऑफ रुपीज 5 लाख पर फैमिली पर ईयर अ कवर ऑफ रुपीज 5 लाख पर फैमिली पर ईयर थर्ड पॉइंट नो कैप ऑन फैमिली साइज एंड एज नो कैप ऑन फैमिली साइज एंड एज नेक्स्ट कवर्स प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस Next point, family is chosen on the basis of social economic caste census. Basis of social economic caste census. Different categories in rural areas include first, family having only one room with kacha walls and kacha roof second family having no adult member between the age 16 to 59 59. Third, female headed households with no adult male member between the age 16 to 59. Next, disabled member and no able-bodied adult member in the family. Able-bodied. Say, with disability now. Able-bodied adult member in the family. Next. SC ST households. Next, landless households deriving their income from casual labor. Next, households without shelters
comma destitutes manual scavenger families etc are automatically included इसमें कुछ भी हो सकता कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट डेल्टा रैंकिंग देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है. 115 डिस्ट्रिक्ट्स आर बीइंग चूजन बाय नीति आयोग एंड दे आर बीइंग कंसीडर्ड एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. यहाँ पे डेवलपमेंट करना है विद अ फोकस फॉर एग्जांपल ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को, एजुकेशन को, एग्रीकल्चर को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या स्किल डेवलपमेंट को फोकस किया जाएगा. एंड देन द डिस्ट्रिक्ट्स वुड बी रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ कि इसने कितना अचीव किया गया टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव कॉपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंट्री. उसको रैंकिंग करने को डेल्टा रैंकिंग बोलते हैं. कोई प्रॉब्लम लिखो जी. इट इज अ रैंकिंग फॉर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स सेकंड पॉइंट. इट इज बेस्ड ऑन the self-reported data of districts, the self-reported data of districts in five development areas, in five development areas, that is health and nutrition, education, second education, third agriculture, fourth agriculture and water resources, sorry, agriculture and water resources, fourth financial inclusion and skill development, fifth basic infrastructure, basic infrastructure. क्या टाइम हुआ? 12:10. तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को कंटिन्यू करते हैं. बट डू रीड एंड कम व्हाट हैज बीन टॉट और उतना काफी रहेगा आपके लिए तैयारी के. थैंक यू वेरी मच.